तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज के वीडियो में इज माई ट्रिप के बारे में, इजी ट्रिप प्लानर के बारे में। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें एक कह लें कि अब गिरावट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन और यहाँ से एक छोटी सी कह लें कि रिट्रेसमेंट, उसको कह लीजिए एक गिरावट छोटी सी होने वाली है। ऐसा लगभग लगभग तो कंफर्म हो चुका है, जो मैं अभी लाइन ड्रॉ करके देखा और पैटर्न ड्रॉ करके देखा तो एक दिख रहा है। बाकी यहाँ पे मैं फिबोनाची को भी देख रहा हूँ, आरएसआई को भी देख रहा हूँ, तो यहाँ से भी कुछ कहें कि मतलब वो पॉइंट एक बना है कि जहाँ से गिरावट हो सकती है। यहाँ पे फिबोनाची का भी देखेंगे और बोलिंजर बैंड का भी देखेंगे, तो एकदम लोअर लेवल जो है, मिड लेवल जो है, हमारी बेस लाइन जो होती है उसका सपोर्ट ले रहा है, तो जेमी उसको थोड़ा सा भी नीचे ब्रेक करेगा। हालांकि ये चीज़ मैं पहले बताया हूँ आपको कि जो बुलिंजर बैंड की जो ब्लैक वाली लाइन, मेन वाली लाइन होती है बीच वाली, उसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और ऊपर मैं बोला था कि रेड वाली लाइन, रेजिस्टेंस वाली लाइन ऊपर स्टेबल हो जाएगी और नीचे वाली लाइन हम लोगों की कंटिन्यू ऊपर जाएगी। ये मैं पहले आप लोगों को एक वीडियो में बोला था, जबकि इसका जब ये वाला कंडीशन था, मतलब जब बड़ी वाली तेजी हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए अब बुलिंजर बैंड को पहले हटा देते हैं। सबसे पहले आरएसआई को मैं समझा देता हूँ आप लोगों को क्या होगा, कि आरएसआई को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आरएसआई में क्या है, कोई कोई जो है 70 रुपये, मतलब 70 का लेवल ड्रॉ करता है और कोई कोई होता है 60 का लेवल ड्रॉ करता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाऊँ तो क्या है यहाँ पे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे और 70 पे ड्रॉ करूंगा मैं, और फिर से एक हॉरिजेंटल लाइन लेके मैं जो है, ठीक है ना, 60 पे ड्रॉ करूंगा, तो अब देखिए इन दोनों लाइन पे क्या कॉमन चीज है। देखिए 60 पे कई बार रिटेस्ट किया है, कई बार जा जा के 60 को टच कर करके जो है यहाँ से गिरावट आई है, और यहाँ से भी 70 पे भी किया है, और कई बार एक बार 80 को भी टच करने के लिए गया है, ठीक है ना। तो अभी कहाँ पे ट्रेड करा, अभी 60 पे ट्रेड करा है। 60 जा आप लोगों को पता होगा कि रेजिस्टेंस लेवल होता है आरएसआई का। अब नीचे आया, फिर से गया, उसको रिटेस्ट किया और वहाँ से फिर से जो है इसमें गिरावट आ सकती है, और ये गिरावट फिर से जो है वही, मतलब आरएसआई जो है फिर से कह लें कि अगर हो सकता है 50 तक संभल जाएगा तो ठीक है, 50 पे बेस लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, 50 के ऊपर ऊपर रहेगा तब तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, 50 के अगर नीचे ब्रेक करती है लाइन तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया आरएसआई की कहानी। अब चार्ट सीधा समझिए, चार्ट पे आप लोगों को मैं दिखा दूं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को पीछे नहीं जाना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है जो मैं आप लोगों को अभी लाइन बताता हूँ कौन कौन सी लाइन। चार्ट पे आप लोग ओपन करिएगा या फिर इसी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और देख के आप लोग ड्रॉ करिएगा। जुलाई के आसपास का एक हाई बना है उसको टच करिए, उसके बाद सितंबर अक्टूबर के बीच में, मतलब आधे सितंबर के बाद एक हाई बना है वो वाला, एक दिन की तेजी थी। उसके बाद ये वीक वाली कैंडल जो नवंबर के महीने में बनी हुई है, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद कल की जो कैंडल बनी है उसका हाई टच कर लीजिएगा। ये एक रेजिस्टेंस लाइन परफेक्ट वाली बन रही है। अब बोलोगे कि ये छूट रहा है, उतना नहीं लेते हम लोग, जो स्मार्ट लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे ना तो एकदम बिक टू बिक ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ होती है, वो लाइन ऐसे ही ड्रॉ होती है, ठीक है ना, ऐसे। तो इस वजह से ये तो एक्सीडेंटल तेजी कह लेंगे, और मेन रेजिस्टेंस वाली लाइन यही थी, ब्रेकआउट दिया था इसी लाइन का, इसके ऊपर ऊपर ही इसको सस्टेन करना चाहिए था और यहाँ से तेजी करना चाहिए, लेकिन ये क्या किया है, नीचे ब्रेक करके अब रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक संभावना बन रही है गिरावट की, ऐसा मुझे लग रहा है, आप लोगों को अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा, हो सकता है कि आप मुझसे भी अच्छी एनालिसिस करते हो तो वो आपकी एनालिसिस रहेगी, आप अपने एनालिसिस पे ज़्यादा भरोसा करिए, किसी और के एनालिसिस पे कम भरोसा करिए, ठीक है ना। तो आपकी जो एनालिसिस है वो तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, जो मुझे दिख रहा है, जो मैं मुझे मतलब चार्ट पे अनुभव हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूं। जब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस तरह से मैं पैटर्न एक ड्रॉ करके बताया था, अब वहीं से जो पैटर्न ये है फिर से जो है मतलब बन रहा है, जैसे कि फिर से यहाँ से एक इस तरह से पैटर्न बना, जैसे कि नीचे आया है, ऊपर गया और फिर से एक गिरावट आएगी, तो टोटल पैटर्न हम लोगों का इस तरह से इसमें जो है एक छुपा हुआ पैटर्न दिख जाएगा अपने को, तो दिखेगा तो ये कई बार ऐसे 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 किया, लेकिन मेन अगर इसमें पैटर्न हम लोग ढूंढेंगे तो यही वाला पैटर्न बना है। ध्यान से आप लोग देखोगे तभी समझ में आएगा, सारा कुछ नज़र का खेल है कि आपको क्या उसमें पैटर्न दिख रहा है। देखिए यहाँ से इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, ये दिख रहा है बीच में, इस तरह जिगजैग किया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता। फिर यहाँ से एक मोमेंटम आया है, मोमेंटम के बाद अगर इसको सस्टेन करना है तो यहीं से सस्टेन करके इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके भाग जाएगा रिटेस्ट करके, लेकिन नहीं तो फिर से इस कैंडल को फिर से इस तरह से पैटर्न को बनाने के लिए ये आएगा, ठीक है ना। देखिए मैं फिर से रेड लेके बताता हूँ, क्योंकि सब कुछ पैटर्न का खेल है भाई। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से एक पैटर्न बनता हुआ नजर आए,
बहुत ज़्यादा नहीं, वही 40 के आसपास तक एक बार फिर से आ सकता है। और ये आएगा तो दो चीज़ होगा, सबसे पहले तो जो वीक हैंड रहेंगे वो निकल जाएंगे, और जो लोग अगर ऊपर फंसे होंगे वो लोग अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो मतलब कम प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे कुछ लोग, और कुछ लोग जो रहेंगे लॉस लेके बुकिंग निकलेंगे। जिनमें दम रहेगा वो जो है फिर से यहाँ पे खरीदारी करेंगे, और फिर से यहाँ पे एक अचानक सी तेज़ी मोमेंटम हो सकता है, ऐसी मुझे संभावना दिख रही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरा भी वही है, हालांकि अभी भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन वाली तेजी वही जो मैं यहाँ पे भी बताया था आप लोगों को कि कंफर्मेशन वाली तेजी जो होगी वो जो है 41 रुपये के ऊपर होगी। तो ऊपर गया तो 41 रुपये की, तो भागा सीधा 52 रुपये तक। अब फिर से वही है कि जब तक 50 रुपये, अगर मेन तो 50 रुपये ही मान के चलें के लेवल को ऊपर नहीं ब्रेक करता है, तब तक तो थोड़ा सा जो रहेगा वो शंका रहेगा, या फिर थोड़ा सा जो रहेगा दिक्कत रहेगा, और चांस जो ज़्यादा रहेगा वो गिरावट के साइड का रहेगा 50 के, जब तक ये नीचे ट्रेड करता हुआ रहेगा। या फिर आज जो कल वाली कैंडल का हाई जो है 48 48.5 पे आ रहा है, तो 48.5 रुपये का लेवल ही मांग कर लीजिए, 1.5 रुपये अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है तो। बाकी टारगेट इसमें आने वाले समय में अच्छा खासा मिलेगा, लॉन्ग बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने तक का अगर आप व्यू बना के इसमें पोजिशन लिए हैं तो एक बार के लिए एग्जिट करना मेरे साइड से अच्छा रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू है तब तो हमको कोई कुछ नहीं करना है, तब तो हम 32 रुपये तक भी झेल लेंगे, ठीक है ना। और ये मैं बता के रखा हूँ आप लोगों को, तो कोई बात नहीं है, अगर साल 2 साल 1.5 साल इस तरह का व्यू है तो बिंदास होकर होल्ड करिए। 1-2 हफ्ते वाले अगर कोई है तो फिर थोड़ा सा भाई आपको दर्द हो सकता है इसमें, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। बाकी आने वाले समय में इसमें 60 रुपये का पहला टारगेट, और उसके बाद ये ब्रेक करेगा तो फिर 80 रुपये का दूसरा टारगेट मिल सकता है आने वाले समय में। अभी हाल फिलहाल में कोई अपडेट नहीं आया, वही 29 23 तारीख का, 23 जनवरी का एक अपडेट आया था, जो इन्होंने कुछ ऑफर ऑफर अयोध्या के लिए स्पेशल बस हो से हॉलीडे पैकेज हो गया लॉन्च किया था, वो अपडेट आप लोगों को दे चुका हूँ। गूगल पे भी जाने से कोई मतलब है नहीं, 7 घंटे की देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ तो फ्लैश कर रही है, लेकिन इसके अंदर घुसेंगे तो क्या मिलेगा, इसके अंदर यही मिलेगा कि इतने रुपए से भाग के इतना रुपया हो गया, उतना रुपया भाग के उतना रुपया हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये सब जो बस यही सब अपडेट दिया रहेगा। नहीं तो आप जाके देख भी सकते हो, देखिए ये 8 घंटे का भी एक मिनट पे अपडेट आ रहा है, लेकिन ये क्या है, वो यही है बकवास, सब लोग करेंगे, कुछ आर्टिकल कुछ होगा नहीं कि ऐसा है वैसा है, बस वही और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बाकी वही अपडेट हैं 1-2 घंटे वाले, कई सारे आर्टिकल हैं, लेकिन उसका कोई मतलब निकलता नहीं है, ठीक है ना। मालदीव वाली खबर 2 हफ्ते वाली फ्लैश कर रही है, तो उससे मतलब नहीं है, देख लीजिएगा। आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कहीं ग्रुप में जुड़े हैं आप लोग तो ग्रुप में शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सर कान।